हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने ये वाला कैमरा एंगल पकड़ना सीखा है। लगन ने बोला कि ऐसे व्लॉगिंग होती है, ऐसे नहीं होती है। एनीवेज, तो गुड मॉर्निंग। आज यार मेरे पास वर्कआउट से पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ कि मैं जाके फ्रूट्स लेकर आऊँ। बट कोई बात नहीं, आज ही जाके फ्रूट्स लेकर आऊँगी। अभी तो रक्षाबंधन है, वैसे भी घर जाना है। नहीं एप्पल नहीं, मैं खा रही हूँ किशमिश। और मैं ये गुच्ची को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि पेट्स को ये नहीं देने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं देने चाहिए। सो जी, आपको बुरा लग रहा है, मुझे पता है। ये लोग भी चले घर। तुझे बुरा लग रहा है मेरे बैग क्यों टच कर रहा है? गाइस, तुम लोग जा रहे हो कहाँ? है सूरज, कहाँ है सूरज? तो जाओ सूरज, तुम जाओ। तुम लगन के पास जाओ। देखो इसको बुरा लग रहा है, वॉक के लिए जा। ये ना सूरत से ज्यादा प्यार करता है ना। इसको इससे क्या ही वो है? देखो 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 यार, मत जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सच में। मुझे बहुत बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा। इतने दुखी होगे तो मैं भी चला जाता हूँ ऊपर। नहीं नहीं, जाओ जाओ। यहाँ पर बताना है कि हमारा नेक्स्ट ट्रिप बन रहा है। अभी नहीं बताना, ठीक है? यहाँ पर हमारा फोटो शूट, और ये कॉटन की साड़ी है। कॉटन है नहीं, इसीलिए मैं अपने तीन सारे पहुँच रही हूँ। ओके, तो मेरा शूट होता है डन। और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कितनी गर्मी है। जी बहुत ज्यादा अच्छी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। देखना पीछे हमारी यशी गई है मेडिकल स्टोर, अपना बेचारी का एक नेजल नोजल, ये कह रहा था नोजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप लेने। तुम्हारी नेजल ड्रॉप नहीं मिली? लेकिन मैं दूसरी लेके आई हूँ, मतलब सेम हो जाएगा, काम चल जाएगा। पता नहीं यार दी, वो तो अब मतलब लेने के बाद ही पता चलेगा क्या सीन है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, लखन की आज तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो बेड रेस्ट पर है। तो हम लोग जा रहे हैं लक्सू से मिलने के लिए सबके साथ। घर पर आकर सब बोल रही कैसी साड़ी बांध रखी है, इनको नहीं पता कि पेटीकोट पहना है। मुश्किल से हाँ। मॉम से मिल लिए, अब हम चले लक्सू के पास। क्या हो गया मेरे भाई? लक्सू क्या हुआ तुम? लक्सू दिखाओ, फीवर सी सही हो जाएगा आपका। बहुत तेज फीवर था इसको। मेरे ख्याल से ये 60-65 बार हो रहा, सेम रिएक्शन इसका हमेशा ऐसी करती है। अरे मिल गया रिलीफ, बहुत अच्छा वाला मिला है। क्योंकि यार साड़ी पहन के और ऊपर से ये लगी, कभी भी लगी के ऊपर साड़ी मत पहनना। कोई नहीं पहनता पेटीकोट, नहीं कोई नहीं पहनता। अरे पेटीकोट मिल नहीं रहा था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। लक्ष्य तुम्हें कैसा लग रहा है? सूरज जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े खुश है। इनकी आवाज मेरी जैसी हो रही है। 2 दिन में जब रिकवर हो जाऊंगा तब तक आ जाएगा। इस मंथ हम चारों की चारों दो दो ट्रिप पर जा रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद और मंथ एंड में हमें तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम जबरदस्ती लेके जाएंगे। क्या हम बताएंगे नहीं, तो वो कैंसिल हो जाएगी। हाँ इसमें बताएंगे नहीं अभी। हमारे बहादुर भैया इतने अच्छे हैं, तुरंत पूछ रहे हैं कि वाटरमेलन जूस पियोगे, क्योंकि उनका पता है कि हमारा फेवरेट है, मतलब मेरा और मेरे भाई का तो है ना भाई। वो जा रहे हैं यार, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए शर्म आ रही है। ऐसा कहते हैं, क्यूट है माधुर भैया लक्ष्मी की तरह। अब चलते हैं मॉम के पास, क्योंकि आप बोलते हो कि मॉम के शॉर्ट्स बहुत कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ज्यादा लेंगे। मॉम कौन सा गाना है ये? अब आप क्या निकाल रहे हो मॉम? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या है? नमस्ते। अच्छा मॉम आपने तो कपड़े पहने हैं। अच्छा जो घर पर है उनको भी मॉम ऐसे ही टी शर्ट पहनाती है, ताकि उनको परेशानी ना हो सूट में ना काम करने में। इसलिए मॉम पता है आज मैंने ना इसमें साड़ी पहनी और मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई वॉक करने में, मैं ऐसे चल नहीं पाई। क्या बोलोगे इस बार? पेटीकोट बना जाता है फिट वाला, वाला। अरे पेटीकोट वही ब्लैक वाला था ना, वो हर किसी में चल जाता, वो मिल ही नहीं रहा था मुझे। मगर आप ऐसे कभी मत करना जैसे मैंने किया, ठीक है? जैसे मैंने अभी आज मैंने इसमें चल रही थी ना पेटीकोट, इसको बना के जैसे कभी जल्दी जल्दी हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और मैं सबको बता रही हूँ मॉम आज। देखो मॉम मॉम के बता, ये ममता दीदी मॉम का इतना ध्यान रखती है ना,
वो हटा दी करी, वो डाल दिया इनके बाल वाल ना जाए। हाँ तो वो हटा दिया ताकि मॉम के बाल ना लग जाए, मॉम ने ब्लैक पहना ना इसलिए। वैसे मॉम है तो बात ध्यान रखते ना दीदी आपका। मॉम लखन की तबीयत खराब है, इस मामले में आप क्या बोलोगे? इस मामले में दीदी का डायलॉग है या एक बार हमने वीडियो बनाई थी मॉम, मॉम एक दिन हमने वीडियो बनाई थी, क्या बोली थी ममता दीदी? भैया मुझे भी छेड़ते हैं इस मामले में। अरे वीडियो में मॉम बोल रहे वीडियो है उसमें क्या शर्माने की बात है? ये शर्मा दी क्या मॉम? लकी की तबीयत खराब है, चट्टो जीव। चट्टो जीव, चट्टो जीव है इसकी बहुत ज्यादा है। हां मॉम मेरी चट्टो पड़ गई जीव, जलेबी मांगे रसिया। अरे सुनो गाइस, मॉम क्या बोली? मॉम ने बोला कि लखन की जो तबीयत खराब है वो है चट्टो जीव से। अब क्या हो गया? किससे? चट्टो जीव से क्यों? ये इन्होंने वो शेक पिया था, उस दिन से खराब है। घर का खाना इसे बिल्कुल पसंद नहीं, नॉर्मल पानी पसंद नहीं, एकदम ठंडा चिल्ड पानी पिएगा और शेक बना के ला और ये बना के और कोक भी। तो मॉम तो है, मौसम चेंज हो ही रहा है। उस दिन रात को ना इन्होंने वो पिया है, ये तो शेक उसके बाद से खराब हो गई। लेकिन मेरी भी होता है, एक काम करो, एक जियो, वन लाइफ बेबी। और मॉम पता है लखन ने बोला अभी मुझे गुची को भी ले आई, मैं गुची को लिटाऊंगा अपने साथ। मैंने कहा हाँ हॉस्पिटल है नहीं, बीमार होती तो मम्मी के पास ही आते ना सब। माँ के यहाँ चल की छाओ और अपना पुराना गांव और कुछ बनाते हैं। गांव चलो फिर बाबूजी के पास जा, बाबूजी बाबूजी याद कर रहे हैं, जल्दी हम लोग ये सोच रहे हैं हम ये वीडियो बनाएंगे कि एक भाई की तबीयत खराब है, दूसरा भाई छोड़ के जा रहा है, ये यशी ने बताया। और मॉम ने ये दिया है गुची के लिए एक बोन, देखते हैं गुची को पसंद आता है या नहीं। लगन यार लगन मुझे तुम्हें ऐसे देखा नहीं जा रहा, चलो अंदर ही रहो। तुम जा रहे? मैं भी जा रही हूँ, मैं आऊंगी अभी तुम्हारे पास थोड़ी देर में, ठीक है? अपना शूट खत्म करके। ओके गाइस, तो यार ये मुझसे कम ही करवाता रहता है, तो अब हम लोग जा रहे हैं, ये लोग मुझे ड्रॉप कर रहे हैं एंड देन बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम कल दो दिन के बाद फिर से ये लोग वापस आ रहे हैं अपन के पास। अच्छा इसने बोला कि मतलब पहले अनाउंस कर देने का, तो अभी मैं नहीं बता रही, ये दो दिन के बाद आ रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगी। और मैंने साड़ी चेंज कर ली है, ये तो मैंने पहले बता दिया था, पहले तो छूट गया था। अच्छा और ये लोग चले गए, और सच बताऊं इतना दुख हो रहा है मुझे कि पूछो मत, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स चले गए। मेरे साथ पंगा ये हुआ, मैं अपने अपना बैग वहीं पर भूल गई, अपना सिर्फ ये झोला लेकर आ गई उधर से। इतनी स्टूपिड हूँ मैं, मतलब इतनी भुलक्कड़ हूँ कि पूछो मत, अपना बैग कौन भूलता है। और सब मेरे सारे फोन थे, इससे मैं ब्लॉगिंग कर रही थी इसलिए मुझे ये याद रहा, इसलिए मैं इसको ले आई। गॉड गुची बेटे के लिए आई है ट्रीट, ये लो गुची। गुची को पसंद आती है या नहीं? गुची आपको पसंद आई? अरे वाह, मैं घर पर आ गई, मैंने चेंज भी कर लिया और दूसरी ड्रेस भी पहनी, क्योंकि यार शूट कर रहे हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये बन बनाया, मैंने बोला था सृष्टि को मैसी सा बन बनाने के लिए, सृष्टि ने ये बन बनाया। सृष्टि थोड़े बाल निकालो यार, सर में बाल नहीं है। मैं आई हूँ यहाँ पर मॉम से मिलने, और देखो मैं कितना सारा मेकअप करके मैं आई हूँ मॉम से मिलने, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर, कल रक्षाबंधन है ऑब्वियसली, मुझे घर जाना तो बनता है। और बड़ी मुश्किल से लखन से छुट्टी मिली है, लखन छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो चलो पहले मिलते हैं मॉम से। और लखन की तबीयत अभी भी काफ़ी ख़राब है, मैं लखन के पास भी जाऊंगी, पहले मॉम के पास जाऊंगी और मॉम को बताऊंगी, फिर लखन के पास। देखो शीलो कैसे आ रहा है। हाय शीलो। हाय शीलो। शीरो, शीरो जितना एक्टिव है उतना ही लेजी ये है। मॉम पूरी सोए हुई लग रही है, आप सोए हो ना? सच बताओ। सोई नहीं हुआ है, तभी थके हुए लग रहे हो। लखन की तबीयत ठीक है मॉम अब थोड़ी? हाँ दवाई से। अच्छा क्या हो गया तुझे? हैं? और मॉम बताओ आप क्या क्या लेकर आए आज? मैं ज्यादा कुछ नहीं, सुयश चले गए हैं और जाएंगे एक घंटे में। अच्छा हाँ ठीक है, तो मॉम मैं भी जा रही हूँ घर पर, सारा स्टाफ चला गया है। ओके रक्षाबंधन, अरे दीपक भैया सुधीर मेरे साथ जा रहा है, वहां से वो आगे निकल जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, लकी को तबीयत में कहाँ छोड़ के जा रही है? मॉम रक्षाबंधन है ना, तो रक्षाबंधन तो कल है ना, सुबह सुबह ही राखी बांध सकते हैं ना, सुबह का मुहूर्त है और रात का मुहूर्त है, ऐसा कुछ ना। आज सोनी ने बिकी गया तो आज इन्हें राखी बांध नहीं, नहीं पूरे दिन माहौल चला। एक बार पता किसी की बहन इतनी दूर से हो, जैसे मतलब वो शाम तक अपने घर पहुंचे तो राखी ना बांधती है?
अगर कोई लेट पहुंचेगा जैसे मान लो कहीं से भी कोई किसी की बहन आ रही है तो पूरे दिन की राखी नहीं बनेंगी, रात तक शाम तक कभी भी बनेंगी ना, ये बात भी है। लेकिन ये बात तो छोड़ दो, लकी को इस तबियत में छोड़ के कहाँ जा रही है? लखन लक्षु मज्जा लक्ष्य, तुम्हारी तबियत कैसे, सच बताओ? की तो खराब है, एकदम खराब है, खराब है मेरी तबियत। देखो हाँ, देख लो जाने के बाद तो ठीक भी बता देगी। नहीं मम्मी फीवर नहीं है, देखो मम्मी अब नहीं है ना, अब ठीक है। तो डॉक्टर ने जो दवाई दी है कि 3 दिन तक खानी है, तो इसे फीवर ही है ना। लखन हाँ। देखो कल जाकर आज खानी है, सुबह सुबह काम कर रही है। मैंने सोचा कि आज चली जाती है। लक्षु लक्षु काम आया क्या, काम आई मामा बोला, कैसे बोलती मैं? लक्षु लक्षु झूठे लक्ष्य लक्ष्य करती रहे। आज मॉम, आज मॉम तुम्हारा ध्यान रखेगी, मॉम को जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ, ठीक है मॉम? चलो यही सोओगे तुम आज मॉम के पास ही, पाई भी नहीं है, ठीक है मॉम? ओके मॉम, मॉम प्रॉमिस, ठीक है मॉम, ध्यान रखना लक्ष्य। मैंने मॉम से प्रॉमिस ले लिया है, ठीक है तुम्हारा ध्यान रखा जाए। लगन फिर आप मुझे लठ बजाना। कल भी क्या, कल नहीं तो जा सके, रक्षाबंधन तो कल है मैम, सुबह सुबह थोड़ी जाती है, इसलिए मेरे को अभी निकलना पड़ रहा है। क्यों नहीं जाती सुबह सुबह? क्योंकि लेट हो जाता ना, इसलिए मैम कुछ नहीं है यार, ऐसे मत बोलो, वो ऐसे मत बोलो, छोड़ के जा रही हो। मॉम ने एक ट्रिप प्लान किया है हम सबका। मॉम ने बोला सब जाएंगे ना, हम भी जाएंगे ना, ऐसी से देखा मैं पेट से। अंदर मत खींचे, नहीं अंदर नहीं खींचे मैंने, मेरा पेट बहुत कम हो गया है, देखो गाइस बहुत कम हो गया मेरा पेट, कहाँ से कम हो गया, ये देखो लूज जींस पहनी। तुम पीछे से तेरी वीडियो बनाओ, यहाँ से भी बल पड़ा है। बल पड़े मतलब मॉम, मैं तो बता दूँ लाइन 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 मेरे ना यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्बी है, जैसे चर्बी एकदम ऊपर से मांस नहीं ढक जाता, ऐसी लाइन लाइन ढक जाता, मेरे ना यहाँ पर बहुत चर्बी है, मुझे लगा साइड वाले साइड तेरी हमेशा पाई जैसी रंगी। नहीं नहीं मॉम ऐसे मत बोलो, अभी समझ लगी तो मॉम क्या, मॉम जिम कर रही हूँ ना मैं, अब ठीक हो जाएंगी, जिम तो साल हो गए कुछ कौन सा हो रहा, अब होगा मॉम। मॉम देखो टच करो, हो रहा है ना, सच बताना, सच बताओ, अब आप दिखाना कुछ कुछ सुन, दिखाने खाना ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी चीजें दाव पेच करके देख लेगा, दाव पेच मतलब ऐसे करके गिरा देंगे, गिरा के मुझे नहीं, नहीं। ना, ना, तो जिम नहीं, देखा कि मैं ही नहीं गिरा पाता था नहीं, हाँ। हाँ, उस दिन लखन तुम उठा नहीं पाए थे ना, चलो एक बार ही हो जाए आज, नहीं बीमार ना करवा रही है, मतलब लक्षु से कुछ आज गहरी दुश्मनी निकाल रही थी, आज चाह भी रही है। चलो यार मैं ज्यादा बात नहीं करती, अब निकलती हूँ वरना यहाँ पर डांट पड़ जाएगी। ओके मॉम बाय, कल मिलते हैं। वेल जोक से हटके मैं बता दूं कि लखन की तबीयत काफी 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 ठीक है, इसलिए मैं लखन को छोड़ के जा रही हूँ। एंड दूसरी चीज कि हम एक पुण्य का काम करने जा रहे हैं, जैसे हमें बाबूजी ने बोला था कि गाय को खाना खिलाना है। टाइम हो गया है जाने का और गुची भी मेरे साथ जा रहा है, मुझे इस चीज की ज्यादा खुशी है। ओके लखन सी यू टुमारो, ये क्या है? अच्छा खाने का, रास्ते में खाने का। अच्छा ओके तो हम सब जा रहे हैं, घर में कोई भी नहीं है, घर में लॉक लग गया है। चलो गाइस चलें, सुधीर सुधीर आ जाएगी, खुश है। बाय बाय बाय, सी यू, चल बाय, परसों मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक करना और कल मिलते हैं।